बसमिल्लाम असल मैं हूँ सैबिक आजमी आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब सबसे पहले अहम ख़बरें आपके सामने रख दूँ उसका खुलासा और फिर उसके बाद पूरी तफसील से बात करते हैं इस वक्त जो ख़बर गर्दश कर रही है सबसे बड़ी वो आरिफलवी साहब के इस्तीफ़े के बारे में क्या वो आज इस्तीफा दे देंगे इस पर क्या मालूम है और कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई उस पर कुछ अहम फैसले हुए एक नया सेटअप लाने की बात भी हो रही है उसकी क्या तफसीत हैं वकला तहरीक अपना जोर पकड़ती जा रही है कंपनी उसके जवाब में एक नया मोहरा लॉन्च करने जा रही है और यह भी बड़े हैरान होंगे कि वकला तहरीक को सपोर्ट कौन कर रहा है पीछे से इमरान खान के साथ डील पर एक प्रोपेगेंडे का मिशन जो मीडिया को दिया गया बुरी तरह नाकाम हुआ मिशन क्या था कैसे नाकाम हुआ इमरान खान के खिलाफ झूठ पकड़े गए और इमरान खान की कंपनी के सरबराह के साथ दुश्मनी की असल वजह भी सामने आ गई हथौड़ा ग्रुप डंडा ग्रुप मुनसिफ के दरमियान मुकाबला सख्त और अमरीकी वायसराय अरशद शरीफ कातनों की तरफ मोहसिन दावड़ ने इशारा किया अफगानिस्तान तूखम पर हालात कशीदा मीशत अरबों की इन्वेस्टमेंट का ख्वाब और इसके साथ साथ जो अभी इलेक्शन नवे दिन का मामला है कहाँ तक पहुँचा है चित्राल का मामला भी बड़ा अहम है गिलगित का भी तो इन तमाम बातों पर तफसील से डिस्कशन करते हैं लेकिन पहले दो सौ उनसठवीं जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई इदारों और अवाम के दरमियान खलीज करने की बात प्रोपेगेंडे पर दहशत गर्दों के ताकत का इस्तेमाल और जो सबसे अहम मामला वो मुशी सरगर्मियों की जो सरमाकारी सहूलत और शहदा के बारे में बातचीत हुई सूरत इस वक्त यह है कि पी डी एम की हकूमत की नाकामी इमरान खान की रजीम चेंज करने के बाद की नाकामी और निगरान हुकूमत की नहली कबलीत ये हाइपर इन्फ्लेशन की वजह से हुकूमत अपना अख्तियार मीशत पर ख़त्म कर चुकी है इदारे एक एक करके बैठ रहे हैं पी आई ए के जहाज़ इस वक्त ग्राउंडेड है ट्रेनों का हाल बदहाल है अगली किस्त के जो आई एम एफ़ के पैसों का कोई पता नहीं वक्ती तौर पर डॉलर घरों में छुपा कर निकालने से कंट्रोल करने का जो एहत का नारा बुलंद किया जा रहा है और फिर जमहूरी हुकूमत के बाद जो पहला नारा हमेशा यही होता है नए सेटअप में जो लोगों को लाने की बात कर रहे हैं जो निगरान हकुमत, लोगों से बेहतर हो जिस तरह माजी में शौकत तरीन शौकत अजीज़ थे मोइन कुरैशी थे खुशकस्मत लोग थे ये कि मुशरफ के, के दौर में जंग होती रही डॉलर आते रहे कंट्रोल हो गया नवाशी मान गया छोड़ गया जरदारी बैर चला गया सारे मामला मुशरफ के चल गए अब ना कुछ शोकत अजीज़ मिल रहा है ना दहशत गर्दी की जंग के पैसे मिल रहे हैं और ना इमरान खान जा रहे हैं आवाम के ऐतजाज का सिलसिला दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और जो अशरमूर्ख की तरह रेत में सर कर बैठी है बिल्ली कबूतर के करीब आ चुकी है और कबूतर आंखें बंद कर रहा है अपनी मगर भी ममालिक मदद करने की पोजिशन में नहीं कि उनका सारा पैसा यूक्रेन की तरफ जा रहा है अरब दुनिया को पाकिस्तान की जरूरत नहीं है उनके ईरान के साथ मसायल खत्म हो चुके हैं यमन में जंग खत्म हो चुकी है हिंदुस्तान अपनी मुआशी तरक्की की तरह मसरूफ है उसका पाकिस्तान की तरफ ध्यान नहीं बिल्कुल चीन के साथ जो इन्होंने किया वो अपनी इन्वेस्टमेंट का मुतबादल अफगानिस्तान की तरफ लगा रहे हैं अब कुछ ट्रक चीनी के पकड़ने और कुछ हजार डॉलर की स्मगलिंग रोकने से अगर मामला ठीक होते हैं तो ये सियासी हुकूमतें पहले कर चुकी होती कर चुकी होती जिस तरह इस डार ने मसनू कंट्रोल किया आपको याद होगा डॉलर मार्केट में आज आपको पता है तीन सौ पंद्रह का कोई ढूंढ के दिखा दे इस डार ने इस तरह दो सौ पंद्रह का किया था एक दफा मार्केट में लेकिन वो दो सौ सत्तर का भी नहीं मिलता था आई एम एफ ने जिस दिन उसके अकाउंट खोल के देखे सारे अगले दिन डॉलर दो सौ सत्तर में वापस ये मसनू तरीकों से आप बहुत से काम कर सकते हैं लेकिन मीशत ठीक नहीं कर सकते ये एक है। जब तक असल मसाइल की तरफ नहीं आएंगे और जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला सियासी अदम इसम इंसानी हकूक और ये दोनों जुड़े हुए हैं अदल और इंसाफ के साथ अब देखिए अरबों की तरफ से डॉलरों का जवाब इन्होंने क्या निकाला कि जी आप जिस तरह जैद अहमद ने जून में आपको पता इन्हें मशुरा दिया जी पांच पांच एटमी हथियार ममालिक को सऊदी अरब को पच्चीस अरब तुर्की को पच्चीस अरब के बेचें तो आपके उस पर अरब डॉलर इकट्ठे हो जाए माशी वालाला हो जाए अब लगता है ये संजीदगी से हल उस तरफ लेके जा रहा है क्योंकि बार बार जब ये जिक्र होता है कि पचास अरब डॉलर इकट्ठा करना है तो अरब दुनिया को तो कोई दिलचस्पी नहीं इसके अलावा अगर उन्हें कोई दिलचस्पी होती देखें यहाँ से सबसे अहम नुकता कि आई एम एफ से जब डेढ़ अरब डॉलर चाहिए थे तो आई एम एफ कहता था जाके अपने दोस्तों से लें उनसे गारंटी लें उनके पास जाते थे वो कहते नहीं पहले आई एम एफ से लेकर आए फिर देंगे तो उसका नतीजा क्या निकला जो डेढ़ अरब डॉलर नहीं दे सकते वो पचास अरब डॉलर कैसे देंगे तो इसलिए ये ख्वाब चिली के शेख चिली के ख्वाब ही हैं आई एम एफ के पास हालात ये हैं कि इन्होंने बिलों में पंद्रह अरब का रिलीफ मांगा बिजली के बिलों में आई एम एफ़ ने कहा यह हमारी मंजूरी के बगैर नहीं होगा और उसे इनकार कर दिया आपने अभी हाल ही में वो खबर देखी होगी मीडिया के हवाले से जिसमें सोलह महीनों में दस अरब के इश्हार पी डी एम लगा ये तकरीबन सात अरब रुपया महीना बनता है सात अरब रुपया ज़रा सोचे अवाम की कि थोड़ी सी हम हो ज़्यादा नहीं थोड़ी सी तो ये अवाम को कितना बड़ा रिलीफ मिल सकता इमरान खान के दौर में आपको याद होगा डैम फंड बना दीगर फंड जो इकट्ठे होते रहे वो कोरोना में लोगों की फ्लाव बहबूद पर काम आए लोगों को घरों में बारह हज़ार रुपया मिलता रहा सेहत कार्ड चलता रहा वो पैसे वहां से इधर इस्तेमाल होते रहे लेकिन इन लोगों ने वो पैसा किस पे लगाया अपनी काबीना बड़ी करने में सत्तासी से ज़्यादा गुजरा और इनके मशीर और चमचे और वगैरह अब सारा पैसा उधर लग गया बाकी इश्तहारों पर लग गया अब आज ऐसा दिन बड़ा बढ़ाया मैं सदर आरिफ अलवी के हवाले से आज वो शायद इस्तीफ़ा दे दें यह खबर चली हुई है हर तरफ क्योंकि अगर आज इलेक्शन की तारीख उन्होंने ना दी तो पाकिस्तानी अवाम और आयन से उनकी गद्दारी होगी ये कल एतजाज़ अहसिन का भी आपने सुन लिया मैं सेंटर आयन उन्हें कह रहे हैं वो अपनी मर्जी से ये नहीं कर सकते कि तारीख दें या ना दें अब अगर उन्हें धमकियाँ मिली हुई हैं कोई परेशान कर रहा है कोई मसला है तो वो इलेक्शन की तारीख ना देने की वजह बताएं धमकी वालों का नाम बता के कौन से खिताब कर दें किसी के ट्विटर से कोई ट्वीट कर दें अगर वो ये सब कुछ ना करें तो जिस तरह तरीक़े इनाफ़ के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी छोड़ते रहे मजबूरियाँ उन सबकी भी थी इस तरह सदर की भी मजबूरी है और साथ गद्दारी भी चौधरी परवेज़ अलाई को साथ इन्होंने चौदह दिन के लिए जेल में डाल दिया अच्छा इस समात के दौरान जज अबुल हस्नाद ने एक शेर पढ़ा ये वैसे तकदीर के माजी का काजी का ये फतवा है अजल से कि जुर्म ज़यफ़ी की सज़ा मर गए मुफा अब देखें इसका मतलब क्या है वो मैं आप पर छोड़ देता हूँ क्योंकि अभी मैंने बात करनी है तालिबान हुकूमत के तर्जमान जबील्ला की उसने ये जो मौक़ दिया कि चित्राल पर जो हमला है वह उसमें अफगान सरजमीन इस्तेमाल नहीं हुई अब तुरखम बॉर्डर आपको पता है हालात कशीदा है अफगानिस्तान के साथ आज तीसरा दिन है बंद है वहाँ चेक पोस्ट बनाना एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है हम लोग तो जाहिर अपने वतन के साथ खड़े हैं किसी दहशतगर्द तंजीम किसी दूसरे मुल्क का तो सोच नहीं सकते पाकिस्तान हमारे लिए वाकई सबसे पहले है। लेकिन दूसरी तरफ जो हालात ये बनाए जा रहे हैं जिस तरह चित्राल में जो दावा हो रहा है कि वहाँ फौजियों को अगवा किया जा रहा है शहादतें हो रही हैं ये इंतहाई खतरनाक मामला है इतहाई खतरनाक सूरत हाल और उससे भी बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल वो गिलगित की वीडियोज़ देखें हैं अब बल्तस्तान की वो जामा मस्जिद करदू में जो इज्जा हुआ, हुआ हज़ारों लोग वहाँ मौजूद और उससे पहले सड़कों पर लाखों लोग वो लोग कह के आ रहे हैं कि हमें कारगिल की तरफ जाना है हमें हिंदुस्तान की तरफ जाना है अगर हमारे ऊपर ये एफ आई आर खतर अब देखें ये मामला कितना खतरनाक हो अल्लाह पाकिस्तान पर रैम करे ये सूरत हाल हमें हमारा काम है रोज बताना ताकि कोई होश के नाखुन लेकर इन मामला को ठीक करे क्योंकि हम पाकिस्तान के हम दर्द हैं ये माजी में लोगों को धरने से पैसे देके घर बेचते रहे आज ये मामला ठीक क्यों नहीं करा सकते एक अमरीकी वायसराय के कहने पर क्यों शाम और इराक बनाना चाहते हैं मामला को ठीक करना है अभी इनके कंट्रोल में है लेकिन कुछ अरसे बाद ये कंट्रोल में मीशत तरह नहीं रहेगा पहले बड़े इन्होंने बेरहम बे रहमाना का वही ड्रामा पुराना चूरन नहीं डिब्बी डाकुओं और लटेरों को भागने नहीं देंगे और जब पाकिस्तान में अब रहा कौन है पहले तो पकड़ेंगे किसे शेबाशी तो बाहर चला गया जो हुकूमत चला रहा था नवाशी पहले से बाहर जल्दारी बाहर सारे चोर आपने लंदन भेज दिए एत किसका करेंगे अगर एतसाब में संजीदा होते तो शुगर मिल मालकान के भी देखे केसेस गए एक जज के सामने एक जज वो सेक्ट्री फूड पंजाब जमान भुटो बता रहा था कि एक जज के सामने बारह शुगर के केस लगे पचपन अरब जिन्होंने लूटा और सारे के सारे केसेस उनके हक में चले गए अब देखें जिस दिन जहांगीर तरीन अलीम खान परवेज़ खटक मोसन बेग फिर मोहसिन नकवी ये तमाम लोग अदालतों से सजा लेकर जेलों में जाएंगे तो शायद लोगों को थोड़ा सा थोड़ा सा यकीन आए क्योंकि एहतसाब नाम का मामला है अच्छा इस वक्त मीडिया को एक बड़ा अहम काम दिया दो चीज़ें कहते जी आपने करनी है एक इमरान खान की डील हो रही है इस पर आपने अफवाहें छोड़ देनी और दूसरा बुशरा बीबी के खिलाफ खुलकर प्रोपेगेंडा ये दोनों बुरी तरह नाकाम अभी वो शेरफ अलमरत की मुलाकात हुई इमरान खान से बड़ी जज्बाती किस्म की मुलाकात थी मुलाकात एक वकील की क्लाइंट से ज़्यादा वो इस तरह लग रहा से आशिक मशूक की मुलाकात शेर अफजल वाकई इमरान खान का मुरीद है वो हाथ चूम रहा है इमरान खान के और ये शेर अफजल की नहीं पूरे पाकिस्तान की यही कैफियत आप मेरे अल्फाज याद रखें जिस वक्त इमरान खान की पहली झलक लोगों को नजर आई जिस वक्त इमरान खान ने जेल से पहला कदम बाय रखा पाकिस्तान की तकदीर बदलना शुरू हो गई मैं आपको बड़े यकीन से कह रहा हूँ क्योंकि मुझे अल्लाह पे यकीन है कि इस मुल्क को बदलने में इमरान खान का इंतखाब है आप बाकी सारे नाम रखें अपने सामने एक एक करके जिस जिस पे आपको यकीन है कोई एक शख्स भी इस काबिल नहीं अब मैंने वो सारा अगर बताना शुरू कर दिया तो उधर चला जाऊँगा मेरे टॉपिक से हट जाऊँगा अभी जो डील इमरान खान की इमरान खान ने इनकी नाकाम की ये प्रॉपिगेंडे की इन लोगों ने शोर मचाया जी इमरान खान डील कर रहा है ये और अब ये सिर्फ आसाब की जंग है ट्रेनिंग की बाखुदा कल एक गोरे से मेरी बात हुई वो इमरान खान को बड़ी अच्छी तरह जानता है बड़े अरसे से चालीस पचास साल से नाम लेने की इजाज़त नहीं उसके अल्फाज थे कि ये आसाब की जंग है नफसियात की जंग है ख़ान एक ट्रेंड बंदा है और वो जुनून की हद तक ज़िद्दी है अपने नज़रिए पे तो ये सारे खुद भी तस्नीम करते हैं अभी देखें इमरान खान जेल में अब क्या कह रहा है वर्जिश की मशीन अब जनी तौर पर वो तैयार था पहले से इमरान खान आपको पता है बता के लोगों को कौम को अरसे से तैयारी कराता रहा और खुद भी तैयार होता रहा कि मैं जेल जा रहा हूँ अब इन लोगों को सोचना चाहिए इनके पास ज़रूर माहिर नफस्यात होंगे बॉडी लैंग्वेज के एक्सपर्ट्स होंगे बिठाए उन्हें उनसे पूछें कि हम इस बंदे से डील कर रहे हैं क्या करें ताकत से तो मसला नहीं हल होगा ये तो आप अफसोफिसर लिख के रख ले बारिश का पानी इमरान खान के सेल में छोड़े मक्खियां छोड़े रात को कीड़े छोड़े उसका हौसला मजीद बढ़ जाता है अभी जो शेर अफजल मुलाकात हुई कह रहे, रहे इमरान खान पचहत्तर खुशगवार वो तमाम इल्जाम को जो जो इन लगाते रहे जी कहीं तो चार दिन में टूट देगा वो जादू टोना करते हैं नशे करते अदमाद करने वाले देखे जिस तरह इन्होंने कामयाब हुई जिस दिन तो फजलान जैसे लोग आपको याद हो क्या क्या बातें करते रहे नवाज शरीफ की आसिफ जरदारी की इन सब से मैं तो कहता हूँ उनकी दौड़ लगवाएं इमरान खान से लेकिन खतरा यह है कि दौड़ लगवाई तो दौड़ के लंदन न कहीं चले जाएँ अब तो इन लोगों को पता है कि जिस तरह अब तो सब रिपोर्टें बाहर आ गई ना मास्टर टाइल्स के नबे करोड़ का भत्ता मांगने वाले कौन थे इमरान खान पर जो करप्शन का इल्ज़ाम लगाने वाले उसके साथी आपको पता है ये जहांगीर तरीन और ये सारे लोग ये कौन थे अब किन लोगों ने वो सारी वारदात की अब मीडिया में जिस तरह का इमरान खान या सुबह शाम उठ के तारीखों के डोंगरे बरसा बरसार ये लोग कौन थे सलीम साफ़ी वो ट्वीट करने वाले बार बार कि जी इसराइल को हिला के रख दिया मतलब होश के नाम बोल रहे आपसे लाहौर काबू नहीं होता जाकर सविलियन आज ना होते तो कहाँ हो इसराइल तलात हुसैन जैसे लफाफे देखिए इनके सरप्रस्त इनका मुकाबला किससे है जी प्रोपेगेंडे में उस उसकूत से जो पैसे भी नहीं लेती मुफ्त नज़रिए पर भी खड़ी है बड़ी से बड़े प्रोपेगंडे को बना भी सकती है बड़े से बड़े बयान को उड़ा भी सकती है किसी के नीचे काम भी नहीं करते आज़ाद हैं डिक्टेशन भी नहीं लेते अपने जहन से सोचते हैं और खुल के बोलते हैं दुनिया में तो उन्हें सोशल मीडिया एक्टिविस्ट कहते हैं लेकिन पाकिस्तान में जानवरों के बच्चे नाम रखा है अगर थोड़ी सी तमीज़ बात करें तो कहते हैं की बोर्ड वॉरियर है और थोड़ी तमीज़ बात करें तो पढ़े लिखे ग्राउंड पर काम करने वाले साफियों को क्वालिफाइड फॉरन क्वालिफाइड यूट्यूबर कह देते हैं अब ये सेलिब्रिटी स्टेटस है यूट्यूबर का इन्होंने ताना बना दिया इन्होंने सोशल मीडिया को ताकत को तोड़ने के लिए मदद किससे ली नून ली से और उम्मे फरवा उमे हरीम हुन ये वो डॉक्टर्स बना लिए ट्रेंड बना लेंगे जी बयानिया बना लेंगे तो इमरान खान को भी हम नवाज शरीफ ज़रदारी की कैटेगरी में शामिल कर दें ये भूल गए कि आलमी इदारों ने आलमी मीडिया ने इन लोगों पर चोर ख़ानदान की मोहर लगाई है ये सोशल मीडिया के नौजवान बच्चों ने नहीं किया वो तो बाद में करते हैं जो करते हैं सोशल मीडिया माजी में भी मौजूद था मतलब मस्जिदों में आप देखने क्या होता था खुतबे होते थे लोग मृत मर्द मिलते थे हर जुमे के जुमे बयानिया बनता था ये तो बदकिस्मती है वो मेंबर फिरका वारियत और मसल की जंग में चला गया वरना आज के दौर में हमारे पास बड़ा अच्छा हथियार था सोशल मीडिया की, की तरह मस्जिद अब उसकी दलील देखें आप, आप किसी कभी रहनमा को या मौलवी को आज वीगो में नहीं जाने देते देखेंगे कभी किसी को कभी लापता नहीं नजर आएगा फजल रहमान को जो अभी इन्होंने नैब ने बोला था कि जी एच को नैब बुलाएगा तो उसने कहा मेरे बच्चे जी एच को घेराव करेंगे उसके बाद फिर किसी की जरूरत नहीं होगी अभी फजलरमान सीने पे अपने हाथ मार मार के कहता था बोलो बलोचिस्तान आपको याद होगा कि आदम एतम के वक्त कि हमने इमरान खान की हुकूमत कराई हम लॉन्च कर अब इसे लॉन्च किया जा रहा कि है इसको बकायदा क्या कहते हैं आदम एतम पीपल्स पार्टी ने लाई जरदारी ने लाई हम इसके हक में नहीं थे वो सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे इसकी याद है वो रब, जबानी याद है यकीन के अल्फाज तक याद है जिस तकबर और रौनत से शख्स बोलता रहा इमरान खान के बारे में गुफ्तू करता था आप सबको याद होगा बाद इनके बस बेचने को कोई मंजर नहीं तो एक दूसरे का गिरबान पकड़ लें लेकिन ये नहीं पता कि बनारसी ठग जरदारी भी है वो पीछे बैठ के वकला तहरीक की मदद करना चाहता है अब ये मेरी बात याद रहा अभी बहुत सारी बार कौंसल्स और वकला के मुख्तलिफ धड़ों को जो इकट्ठा करने का मामला उसमें पीछे से पीपल्स पार्टी के लोग हैं क्योंकि उन्हें पता है कि एक तरफ हथौड़ा ग्रुप अपनी ताकत पकड़ रहा है दूसरी तरफ वकला मैदान में एक तरफ डंडा बरदार भी मौजूद हैं अब मीशत अपनी तबाही बर्बादी कर रही है और नया काजी भी आ रहा है तो ऐसे में बड़े बड़े सरप्राइज़ अच्छाएँगे याद रखें बहुत से लोगों को लगता है कि जी काजी फ़ायज़ ईसा साहब आएंगे ओहदे पर अहदे पर जब इंसान आता है तो उसका जहन बदलता है उसकी बड़ी दलील देखें जनरल जयाउल अखने को जब भुट्टो ने से लगाया तो बूट पॉलिश करने को तैयार था लेकिन बाद में कैसा बदला परवेज़ मुशर्रफ नवाज शरीफ शरीन ने मस्किन आदमी था बिल्कुल उहदा मिलने के बाद क्या हुआ इसी तरह बाजवा साहब को तीसरी एक्सटेंशन मिली क्या गोल खिलाए उन्होंने तो ये उहदा मिलने के बाद अब बहुत सारे लोगों काजी फ़ायज़ ईसा साहब उनकी उम्मीदों पर पानी फेरेंगे ये बात ये वीडियो कहीं आप संभाल के रख लें और वो खुद नहीं करते ये हालात करवाते हैं आपसे क्योंकि इस वक्त हालात ऐसे कि बुनियादें हमारी हिल चुकी हैं होश से नाखों लेने का वक्त है वकला की ये तहरीक बहुत बड़ी कौमी तहरीक बन जाएगी बड़े आराम से देखें इन्हें अपनी सिर्फ समत तय करनी है लीडरशिप इनके पास लतीफ़ खोसा है एतजाज़ एहसन है हामिद रज़ा है बाबर रवान है नौजवान वकला इनके पास मौजूद हैं अब मजे की बात आपको बताऊँ कि अस्सी फीसद वकला इमरान खान के साथ है यह आप भी जानते हैं और उनके सीने इस वक्त दर्द से भरे हुए हैं सिर्फ एक सिमत दिखाने की देर है जो लतीफ़ खोसा एतजाज अहसन इमरान खान के नजरिए पकड़े बिलाशुबा जिस मर्जी जी माँ से आप जानते हैं ये बात और याद रखें ये वकला तहरीक अगर चल पड़ी तो इसे रोकना और संभालना मुश्किल होगा ये इसीलिए जो इनके कायदीन है फूक फूक कर कदम रख रहे हैं इस वक्त जजेस क्योंकि पीठ दिखा रहे हैं वो जजेस की तरफ देखते हैं जज वहां उमर बंदयाल साहब जाने में चंद दिन रह गए वो सत्तू पी के सोए हुए बिल्कुल वो अपना एहतसाब शायद तारीख से करवाना चाहते हैं हाई कोर्ट के जजेस को देखें उन्हें बिला सूद करोड़ों के कर्जों की मंजूरी होती है वह जो खाता है लगाता है वो फिर इनसे फिर इसी तरह का इंसाफ भी करवा लेता है तो मामलात सारे इसी तरफ जा रहे हैं अब काजी फायज साहब के जो आने की बात हो रही है उस पर बहुत सारे लोगों की मैं बता रहा हूँ कि उम्मीदों पर पानी फिरेगा वो इनको सरप्राइज़ देंगे और ये सोच नहीं सकते वो करेंगे क्या बहुत सारी चीज़ें इसलिए इस पर ज़्यादा खुशफही में ना रहें गलत फहमी में भी ना रहें इंशाल्लाह शाह मज़ीद जो आज शाम को एक मज़ीद मेरा इंटरव्यू है अभी लतीफ खोसा साहब से इंशाल्लाह मेरे साथ रहिएगा आप अगले वीला तक की मुझे इजाज़त दें अपना ख्याल रखें अल्लाह